दोस्तों, फिल्मी दुनिया के सितारों के इस सफर में आज हम आपके लिए एक ऐसे अभिनेता की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने शुरुआती दौर में कई मुश्किलों का सामना किया और फिल्मों की दुनिया में अभिनय करते करते वो कॉमेडी का राजा कहा जाने लगा। उसे खुद इस बात का इल्म नहीं हुआ। एक बाल कलाकार के रूप में अपने जिस फिल्मी करियर की शुरुआत उसने किया, उसे आजीवन बरकरार रखने में सफल हुआ। अभिनय से शुरुआत किए हुए करियर को एक गायक, निर्देशक और फिल्म निर्माता के रूप में भी बदलता गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर हास्य अभिनेता, गायक, निर्देशक और फिल्म निर्माता महमूद के बारे में, जो हास्य अभिनय की दुनिया में एक जाने माने अभिनेता थे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो अभिनेता एक बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करता है तो आगे जाकर वो एक वयस्क अभिनेता के रूप में ज्यादातर सफल नहीं हो पाता है, लेकिन महमूद ने ऐसा होने नहीं दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन की कहानी बताने वाले हैं। वैसे जीवन कहानी शायद ही आपने कभी सुनी होगी। उनके जीवन से जुड़े हर पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे, इसलिए जानने के लिए वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहें। उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 29 सितंबर साल 1932 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। हालांकि मूल रूप से वो साउथ इंडिया के थे, लेकिन उनका पूरा परिवार मुंबई में आकर रहने लगा था। उनका पूरा नाम महमूद अली था, लेकिन वो सिर्फ महमूद के नाम से मशहूर थे। अपनी पढ़ाई लिखाई उन्होंने वहीं से किया। दरअसल उनके पिता एक नाटककार थे जो फिल्मों से जुड़े रहते थे, इसलिए उन्हें भी बचपन से ही फिल्मी दुनिया में अभिनय करने की दिलचस्पी हुई। एक बाल कलाकार के रूप में उन्हें साल 1943 में आई फिल्म किस्मत में अभिनय करने का मौका मिला। ये हिंदी भाषा की एक ड्रामा फिल्म थी जिसे ज्ञान मुखर्जी द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म में अशोक कुमार शेखर की भूमिका में मुख्य किरदार के रूप में थे। उनके साथ मुमताज शांति रानी के रूप में उनका साथ दे रही थी। फिल्म में महमूद ने अशोक के बचपन की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, ये फिल्म 2 लाख रुपए की लागत से बनी थी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 1 करोड़ था। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उसके बाद वो साल 1945 में आई फिल्म सन्यासी में दिखाई दिए, जो कि एक सामाजिक फिल्म थी जिसके निर्देशक A.R. कारदार थे। इसके साथ ही फिल्म कारदार प्रोडक्शन बैनर तले निर्मित हुई थी। फिल्म में शबीना बानो और गुलाम मोहम्मद मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। इसके अलावा फिल्म में कई अन्य कलाकार शामिल थे, जैसे श्याम कुमार, हसन दीन, अमर, नसीम जूनियर। महमूद ने फिल्म में बांके के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। फिल्म के संगीतकार के रूप में नौसत थे। दोस्तों, उन्होंने बाल कलाकार के रूप में 2 और फिल्में की, जैसे नादान और माँ। उसके बाद वो कुछ छोटे मोटे काम भी किए। आखिरकार साल 1953 में आई फिल्म 2 बीघा जमीन में उन्होंने एक वयस्क के रूप में अभिनय किया। हालांकि उन्हें सहायक भूमिका से ही संतुष्ट रहना पड़ा। फिल्म के निर्देशक थे बिमल रॉय और ये फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की बंगाली कविता 2 बीघा जमीन पर आधारित थी। फिल्म के मुख्य नायक और नायिका के रूप में बलराज साहनी और निरूपा रॉय थे, जिसमें बलराज ने शंभू और निरूपा ने पार्वती महतो पारो की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा फिल्म में नज़ीर हुसैन, मीना कुमारी, नाना पलसीकर और रतन कुमार जैसे कलाकार दिखाई दिए। इस फिल्म में महमूद प्रीतम के किरदार में एक सहायक भूमिका में नजर आए। फिल्म के गाने काफ़ी हिट हुए थे, साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। ओवरऑल ये फिल्म एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई, यहाँ तक कि कई कलाकारों को पुरस्कृत भी किया गया था। हालांकि उन्हें एक अच्छे बड़े और मुख्य भूमिका के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन वो लोगों की नज़र में आने के लिए किसी भी किरदार को करने में हिचकिचाते नहीं थे और यही वजह थी कि आगे चलकर वो एक सफल अभिनेता के रूप में दुनिया के सामने आए। उन्होंने साल 1954 की फिल्म नास्तिक में भी एक छोटी सी भूमिका निभाई, जो कि एक अभिनेता के रूप में उनकी दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म को IS जौहर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो हिंदी भाषा की एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी। नलिनी जयसवंत और अजीत ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा फिल्म में कई अन्य कलाकारों ने भी अहम योगदान दिया था, जिनमें राज मेहरा, मुमताज बेगम, लीला मिश्रा, IS जौहर जैसे कलाकार शामिल थे। महमूद ने इसमें विनोद के गुर्गे के रूप में काम किया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई ही कर पाई। दोस्तों, साल 1956 में आई फिल्म CID में उन्होंने अभिनय किया था, जिसको राज खोसला द्वारा निर्देशित और गुरुदत्त द्वारा निर्मित किया गया था। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें मशहूर अभिनेता देवानंद, शकीला और वहीदा रहमान जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। महमूद ने इसमें शेर सिंह की भूमिका निभाई थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो सकी। इसके अलावा उन्होंने कई और फिल्मों में काम किया, जिसमें उनकी कुछ फिल्में हिट साबित हुई, जैसे छोटी बहनें, ससुराल, राखी, दिल तेरा दीवाना, घर बसा के देखो, गुमनाम, प्यार किए जा, साधु और शैतान, मेरी भाभी, वारिस, हम जोली, मैं सुंदर हूँ, पारस, बॉम्बे टू गोवा, कुआरा बाप, दुनिया का मेला, वरदान, कैद, सबसे बड़ा रुपया, नौकर और खुददार। दोस्तों, उन्होंने कुछ फिल्मों को निर्देशित और निर्मित भी किया, जैसे भूत बंगला, पड़ोसन।
अपने शानदार अभिनय के दम पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। हालांकि वो एक सहायक अभिनेता के तौर पर अधिक फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन अपने अभिनय से उन्होंने दर्शकों का दिल जीता। उन्होंने कुल मिलाकर करीब 300 फिल्मों में अभिनय किया था, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है। कहा जाता है कि उन्होंने मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाया था। साल 1970 से लेकर 1990 तक कॉमेडी में उनके टक्कर का कोई भी अभिनेता नहीं था, इसलिए उन्हें उस दौर में कॉमेडी किंग के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा बॉलीवुड में सबसे अधिक बिकने वाले अभिनेता बन गए थे। दर्शकों के बीच वो इस कदर छाए हुए थे कि दर्शकों की अपील के कारण फिल्मों में उनके लिए विशेष किरदार बनाए गए, यहाँ तक कि उन्हें मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन अपने पिता की जैसा मानते थे। उन्होंने साल 1953 में अभिनेत्री मीना कुमारी की बहन मधु कुमारी से शादी किया, जो रिश्ता लगभग 14 साल तक चला, क्योंकि साल 1967 में किसी कारणवश मधु कुमारी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्होंने ट्रेसी अली से विवाह रचाया। महमूद के कुल 6 बेटे हैं, जिनका नाम लकी अली, पकी अली, मैकी अली, मंजूर अली, मंसूर अली और मासूम अली हैं, जिनमें से लकी, पकी, मैकी और मासूम अली मधु कुमारी के बेटे हैं और मंजूर, मंसूर अली ट्रेसी अली के बेटे हैं। लकी अली एक अभिनेता और संगीतकार हैं। उनकी पत्नी का नाम कैट एलिजाबेथ है। हालांकि अब दोनों का तलाक हो चुका है। उनके बच्चों का नाम सारा, तावुस, दानी, तस्मिया और रियान अली है। पकी अली एक अभिनेता हैं और मैकी अली भी एक अभिनेता हैं। उनकी पत्नी का नाम बिल्किस अली है और उनके बेटे का नाम मिजान अली है। मासूम अली एक डायरेक्टर हैं, वहीं पर मंसूर अली एक अभिनेता हैं। उनकी बेटियों की बात करें तो उनकी पहली बेटी का नाम लतीफ़ा अनिशा उर्फ गिन्नी है, जो कि एक अभिनेत्री हैं। दूसरी बेटी का नाम किजी अली है, जो कि एक नर्स है। दरअसल महमूद और ट्रेसी अली को एक खेत में वो अनाथ पड़ी मिली थी, जिसे उन दोनों ने अपनी बेटी बनाकर पाला। दोस्तों, महमूद के पिता का नाम मुमताज़ अली था, जो 1940 से लेकर 1950 तक के एक जाने माने अभिनेता और नृतक थे। वहीं पर उनकी माँ का नाम लतीफ़ुनिसा था। उनके कुल 4 भाई हैं, जिनका नाम उस्मान अली, अनवर अली, शौकत अली और सुभान अली है, जिनमें से उस्मान अली और अनवर अली एक फिल्म निर्माता हैं। बाकी भाइयों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। उनकी कुल 5 बहनें हैं, जिनका नाम मीनू मुमताज़, सुबैदा अली, हुसैनी अली, खैरुन्निसा अली और शानू अली है। इनमें से उनकी बड़ी बहन मीनू मुमताज़ 1950 और 60 के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री और डांसर थी। उनके पति का नाम एस अली अकबर है। उनकी गुलनास और सहनास नाम की 2 बेटियां हैं। मीनू मुमताज़ का साल 2021 में निधन हो गया। बाकी बहनों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। फिल्मी दुनिया में उनके अहम योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जैसे साल 1963 में दिल तेरा दीवाना के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। उसके बाद प्यार किए जा, वारिस, पारस और वरदान जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, महमूद वाकई में एक बहुत बड़े शख्सियत थे, जो फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए जाने जाते थे। लेकिन दुनिया में जो आता है, उसे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। और आखिरकार साल 2004 में 71 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दरअसल उनकी मृत्यु संयुक्त अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर